हेलो चिल्ड्रन, आज हम करेंगे ग्रीटिंग्स। उसमें एक हमारा टॉपिक है वेयर इज इट, कि वो चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे वेयर इज द बुक, अभी पिक्चर में देखिए बुक कहाँ है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है ना, टेबल के ऊपर। तो द बुक इज ऑन द टेबल। सेकेंड है वेयर इज द बुक नाउ, अभी बुक कहाँ पे है। द बुक इज इन द बैग, द बुक इज इन द बैग, बुक बैग के अंदर है। वेयर इज द बुक नाउ, अभी बुक कहाँ पे है। अभी यहाँ पे टेबल के ऊपर तो ऑन, बैग के अंदर तो इन, अभी बुक है टेबल के नीचे। सो द बुक इज अंडर द टेबल, वेयर इज द बुक, द बुक इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, नीचे मतलब अंडर, ठीक है। ऑन, ऑन मीन्स ऊपर, इन, इन मीन्स अंदर, और यहाँ है नीचे, नीचे मतलब अंडर, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द बुक नाउ, अभी बुक कहाँ पे है। तो यहाँ वाटर बॉटल है और यहाँ पे पेंसिल बॉक्स है। तो बुक वाटर बॉटल और पेंसिल बॉक्स के बीच में है। सो द सेंटेंस इज द बुक इज बिटवीन द वाटर बॉटल एंड द पेंसिल बॉक्स। बुक कहाँ है, तो वाटर बॉटल और पेंसिल बॉक्स के बीच में। द बुक इज बिटवीन द वाटर बॉटल एंड द पेंसिल बॉक्स, ठीक है। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज इन द बैग, द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज बिटवीन द वाटर बॉटल एंड द पेंसिल बॉक्स, ठीक है। नाउ टर्न द पेज, टिक द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे जो सही वर्ड है उसको टिक करना है। द बॉय इज स्लीपिंग इन या ऑन द बेड, द बॉय इज स्लीपिंग, बॉय कहाँ स्लीपिंग कर रहा है, बेड के अंदर कि ऊपर। तो यहाँ बॉय जो है वो बेड के ऊपर, हम बेड के अंदर नहीं जा सकते ना स्लीपिंग के लिए, बेड के ऊपर हम करते हैं ना। तो ऑन, यहाँ पे टिक ऑलरेडी किया हुआ है, तो ऑन द बेड, द बॉय इज स्लीपिंग ऑन द बेड। नेक्स्ट द बुक्स आर इन और ऑन द बैग, बुक्स आर इन, इन का मतलब होता है अंदर और ऑन का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पे बुक कहाँ है, बैग के अंदर। तो यहाँ हम अंदर के लिए वर्ड होता है इन, इन को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट द बाउल इज इन और ऑन द टेबल, बाउल कहाँ पे है, टेबल के अंदर है कि टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पिक्चर में देखिए बाउल जो है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के अंदर कैसे हो सकता है ना, टेबल के ऊपर। तो ऊपर के लिए हम ऑन को टिक करेंगे, द बाउल इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट
द पिक्चर इज इन और ऑन द वॉल। जो पिक्चर होता है वो दीवार के अंदर होता है कि दीवार के ऊपर होता है? दीवार के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे राइट वर्ड आएगा ऑन। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, ठीक है। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर सिटिंग इन और ऑन द ब्रांच। बर्ड्स कहाँ पे बैठे हुए हैं? ब्रांच के अंदर कि ब्रांच के ऊपर? तो यहाँ पे ब्रांच के ऊपर बर्ड्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे राइट वर्ड क्या आएगा? ऑन द ब्रांच। द बर्ड्स आर सीटिंग ऑन द ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट, द डॉग इज अंडर और इन द टेबल। डॉग कहाँ पे है? टेबल के नीचे। नीचे का मतलब होता है अंडर। नीचे का मतलब क्या होता है? अंडर। द डॉग इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। नेक्स्ट, द कैट इज सिटिंग ऑन और बिटवीन द चिल्ड्रन। कैट कहाँ पे है? देखो पिक्चर में, कैट दो चिल्ड्रन के बीच में कि ऊपर? कहाँ है? बीच में है कि ऊपर है? ऑन का मतलब होता है ऑन, ऊपर, और बिटवीन का मतलब होता है कि दोनों के बीच में। तो दो चिल्ड्रन के बीच में है कि दो चिल्ड्रन के ऊपर है कैट? तो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैट जो है वो दो बच्चों के बीच में बैठी है। हाँ, तो हम यहाँ पे बीच के लिए सही वर्ड होता है बिटवीन। तो हम किसको टिक करेंगे? बिटवीन को। तो यहाँ पे इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, ये जो वर्ड है वो पोजीशन वर्ड है कि पोजीशन, कौन सी पोजीशन में, अंदर है, ऊपर है, नीचे है कि बीच में है, तो वो पोजीशन वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये मस्त वाला एक नेचुरल सीन है जहाँ पे सन राइज हो रहा है, सन निकल रहा है, बटरफ्लाई, बग वो उड़ रहे हैं और सुंदर से फ्लावर खिले हुए हैं। तो इसको अच्छा सा एक मस्त सा आपको लुक देना है, इसको मस्त कलर करना है और मिस को फोटो सेंड करना है, ठीक है। अभी हम नोटबुक में स्पेलिंग लिखेंगे कर्सिव में। तो पहला स्पेलिंग हम लिखेंगे हेन, H E N, हेन। फिर लिखेंगे पेन, P E N, पेन। और टेन, T E N, टेन। पहले हम T को पूरा लिख लेंगे, फिर उसके साथ ई और एन ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद ये लाइन करेंगे, ठीक है। तो आज के तीन वर्ड से हैन, हैन मतलब जो मुर्गी होती है वो, पेन, पेन का मतलब होता है ये पेन, और टेन का मतलब होता है 1010, जो टेन नंबर होता है उसका स्पेलिंग होता है टी ई एन, टेन, ठीक है। तो आज का आपका नोटबुक का वर्क है ये थ्री स्पेलिंग, ओके।